रविवार को एसआर विद्या मंदिर स्कूल में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के सौजन्य से एसे व पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। अपनी प्राकृतिक धरोहरों को बचाने के उद्देश्य व युवा पीढ़ी को इससे रूबरू करवाने के उद्देश्य से इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के सौजन्य से माई सिटी माई हेरिटेज विषय पर एसे व पेंटिंग कॉम्पिटिशन का आयोजन किया गया। SVM स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इंटेक मंडी चैप्टर के को कन्वीनर अनिल शर्मा ने बताया कि शहर में मौजूद धरोहर पर प्रस्ताव व चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि 2 साल पूर्व मंडी में इंटेक चैप्टर की शुरुआत की गई थी। 2 साल से इंटेक द्वारा स्कूलों में 20 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बच्चों द्वारा अपने शहर के किसी भी प्रकार का मंदिर, मस्जिद, बिल्डिंग, भवन, मंदिर और झरना आदि के ऊपर प्रस्ताव लिखना है, और उस प्रस्ताव के उसी जिस चीज़ का प्रस्ताव लिखा जाना है उसी के ऊपर एक चित्र भी बनाना है। तो ये इसमें मंडी शहर के सराउंडिंग के लगभग 20 स्कूलों के लगभग 120 के लगभग छात्रों ने भाग लिया। तो इंटेक का मैं थोड़ा सा बता दूँ, इंटेक का मुख्य उद्देश्य जिसको भारतीय सांस्कृतिक निधि कहा जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को अपने धरोहर के बारे में बताना और अपनी संस्कृति को जागृत रखने का, जो है लोगों में ऐसी भावना पैदा करना है कि अपनी संस्कृति को वो ना भूलें। तो इससे पहले भी लगभग 2 साल पहले इंटेक मंडी चैप्टर शुरू हुआ था, इसके हमारे कन्वीनर जो हैं मिस्टर नरेश मल्होत्रा जी हैं। तो इस इंटेक द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग 15 से 20 कार्यक्रम बच्चों के स्कूल के ऊपर किए हमने। वहीं इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आए कमल प्यासा ने बताया कि बच्चों को अपनी धरोहरों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बच्चों को यह भी बताया गया कि इन धरोहरों को किस प्रकार बचा कर रखना होगा, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी अपने शहर की इन धरोहरों को जान सके। अब धरोहर के बारे में बच्चों को ये पहले जरूर पता होना चाहिए कि धरोहर होती क्या चीज़ है। इसके संबंध में मैंने इनको जानकारी दी कि धरोहर जो है एक किस्म की अमानत होती है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दी, या किसी की भी अमानत होती है उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। जब वो मालिक आता है तो उसे वापस उसी तरह से लुटाना पड़ता है। तो ये धरोहर इसी के संबंध रखती है। धरोहर हमारे शहर में कई तरह की धरोहरें हैं, जिनमें कि बिल्डिंग आ जाती हैं, पुल आ जाते हैं, मोनूमेंट्स आ जाते हैं, मूर्तियां आ जाती हैं, पेंटिंग्स आ जाती हैं, सिक्के आ जाते हैं, और इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उन सभी के संबंध में बच्चों को बताया गया कि इस धरोहर को हमने किस तरह से प्रिजर्व रखना है, किस तरह से बचाना है, ताकि ये हमारी धरोहर जब बाहर ना जा सके, हमारी धरोहर हमारे शहर में ही रहे, और ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो अपनी धरोहर को पहचान सके। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और ऐसे व पेंटिंग के माध्यम से धरोहरों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।